नमस्कार बीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपसे ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व को मिलाने वाले हैं जो कि पीआर एजेंसी उनकी है और ये पुरानी है सबसे नागपुर की पीआर एजेंसी। साथ ही साथ इनका कार्य क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं और पीआर एजेंसी पब्लिक रिलेशन यानी क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम उनसे जानने वाले हैं। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इनका हमारे स्टूडियो में, जो कि अनूप पब्लिसिटी और निकिता मीडिया के संचालक है नीलेश राठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर आपका जो कार्य है ये बहुत ही अलग है। बहुत से लोगों को पीआर या पीआर एजेंसीज क्या होती है ये नहीं पता है, तो आज हम इन सभी विषयों पर जो है चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका कार्य क्या होता है। तो मुझे ये बताने को बहुत ही मतलब हर्ष महसूस हो रहा है कि आपकी जो पीआर एजेंसी है ये नागपुर की सबसे पुरानी पीआर एजेंसी है। तो सर आपने पीआर में कैसे आप आए और पीआर एजेंसी आपने कैसे बनाई, क्या इसके पीछे का मकसद था, उद्देश्य था, या आप कैसे इसमें आए, क्या बताओगे? बेसिकली पीआर एजेंसी ये जो कंसेप्ट है, ये पीआर एजेंसी का कंसेप्ट आज से समझ लीजिए 1970-80 के समय पे पीआर नाम से चीजें काफी कॉमन मैन में प्रचलित थी। धीरे धीरे ये सब चीजों का ट्रेंड चेंज होते गया और वो पीआर एजेंसी ने अपना रूप एज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में ले लिया। ये बात मेरे भी बर्थ के पहले से की होगी, जब मेरे पापा नवल किशोर जी राठी और चाचा जी गिरीश कुमार जी राठी, इन्होंने सन 1980 के पहले ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी के उद्योग में पदार्पण किया। उस समय हमारे बताते थे वो लोग कि इनिशियल कस्टमर जो थे वो थे मीना बाजार वाले गोपानी, मूनलाइट, ये ऐसे सब लोग उस समय से हम लोगों से साथ में जुड़े हैं, जिनके हम पे दिखाए गए विश्वास के कारण आज जो हम लोग हैं वो चीज का बेसिक पायदान वो बने थे, पैरी इन्हें जिसको स्टेयर्स बोलेंगे ग्रोथ की। उस समय ये चीजें शुरू हुई थी मैडम, उस समय ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कुछ चीजें थी, न्यूज़पेपर के नाम पे नागपुर टाइम्स, नागपुर पत्रिका, ऐसे न्यूज़पेपर्स काफी लीड करते थे। और आज तो भी कंप्यूटर डिजिटल ये वो सब चीजों के एम्यूनिटीज है, उस समय तो रोटा टाइप न्यूज़पेपर प्रिंट होता था जिसमें एक एक अल्फाबेट को ब्लॉक सिस्टम से बना के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनते थे। तो शुरुआती दौर काफी स्ट्रगलिंग था, साथ में फिर उसमें एक आउटडोर मीडिया एक इनिशियल उस समय एक ईजाद हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिक के खंभे रहते थे, उसके ऊपर छोटा सा आयन का एक स्ट्रक्चर लगता था, ये सब भी चीजों का काम किया। वो हुआ थिएटर्स में आजकल फुल स्क्रीन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आती, पहले स्लाइड्स चलते थे, एक इमेज आता था वो हटता था, दूसरा इमेज आता था हटता था इंटरवल्स वगैरह में। आज तो मल्टीप्लेक्सेस का दौर है, पहले सिंगल स्क्रीन्स का दौर था, स्मृति अलंकार पंचशील ऐसे थिएटर्स लीड थे। तो उस समय हमारे क्लाइंट्स को लगने वाली जो जो नीड बोलते थे या हम लोग सजेस्ट करते थे उनके उनके प्रोग्रेस के लिए, इसलिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हमेशा एक दूसरा नाम से टर्म किया जाता है, दैट इज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। कोई भी क्लाइंट के अगर उसको प्रोग्रेस कराना है तो ही ऑलवेज अंडरस्टैंड अस एज अ पार्टनर्स फॉर देयर प्रोग्रेस, ताकि वो तरक्की करे उसमें हम लोग उनको क्या क्या तरीके से वो तरक्की कर सके इन मीडिया और पीआर या उसके कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज में, ये हम लोग सजेशन देना शुरू की। 1980 के दशक के समय की बात है, मतलब आज से चार डिकेड्स पहले हमारी एजेंसी अप्रोक्सीमेटली 45-47 ईयर्स ओल्ड एजेंसी है, दैट इज द ओल्डेस्ट वन इन नागपुर। 1980 में मेरे बर्थ के समय तो कोई नाम वगैरह नहीं चलता था, कोई एजेंसी का नाम नहीं रहता था, बट घर से ऑपरेट होता था, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती थी। 1984 में मेरे यंगर ब्रदर का बर्थ हुआ, उसका नाम है अनूप, उसके नाम से फर्स्ट एजेंसी इस्टेब्लिश करी गई बाय द नेम ऑफ अनूप पब्लिसिटी। उसके पहले सारे काम आरके एडवर्टाइजर्स के नाम से किए जाते थे। अनूप पब्लिसिटी ये हुई उस समय, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्लाइंट थे बट करने की कैपेसिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर बेस्ड ऑफिस नहीं था, तो घर से इधर उधर से ऑपरेट करते थे, थर्ड पार्टी के यहाँ जाके बैठ के ऑपरेट करते थे। बाद में किसी ने एक हेल्प करके हमारा एक बेसिक ऑफिस के लिए हेल्प किया, तो हमारा लोकपाल स्क्वायर पे नागपुर में ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद में ग्रोथ स्ट्रक्चर धीरे धीरे शुरू हुआ, आईपीओस के काम मिलना शुरू हुआ, नागपुर के 3-4 आईपीओस वगैरह आए। तो उस समय महसूस हुआ कि यार जस्ट
बाय अनूप पब्लिसिटी वी कैन रिलीज द एडवर्टाइजमेंट, हम लोग न्यूज पेपर में लोगों की जाहिरात डाल सकते थे या दूसरी एक्टिविटीज कर सकते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि वो केवल हम लोग नागपुर तक ही कर सके। धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट आउट ऑफ नागपुर भी करने की हुई, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट करने की हुई। वो अनूप पब्लिसिटी एक्रीडेशन नहीं था। एक्रीडेशन एक ऐसा होता है कि कोई सोसाइटी हम लोगों के बिहाफ पे गारंटी देती है न्यूज़पेपर को कि इसकी एडवर्टाइजमेंट आप डालो, इतने रुपए तक डालने तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वी टेक द गारंटी, अंडरटेकिंग होती थी। तो 1993 में मेरे चाचा की बेटी निकिता मीडिया निकिता हुई, उस नाम से हम लोगों ने एक एक्रेडिटेड एजेंसी खोला 1993 में, दैट वाज निकिता मीडिया सर्विसेज। हम लोगों के डीलिंग विद द न्यूज़पेपर्स और हमारे फेयर प्रैक्टिसेस के कारण बहुत ही जल्द विद इन अ स्पैन ऑफ वन ईयर उसको फुल्ली एक्रेडिशन का ये मिल गया, एक्रेडिशन मिल गया और वो फुल फ्लेज में ऑल ओवर इंडिया शुरू हुआ। फिर दौर शुरू हुआ आउट ऑफ नागपुर भी ऐड करने का, तो फिर लक ने साथ दिया और रिलेशंस अच्छे थे पापा चाचा के, तो कम से कम हम लोगों ने 4 साल कंटिन्यू अराउंड 7 IPOs के काम किए, जिसमें नागपुर के भी 3-4 IPOs थे, मालू पेपर मिल्स, उसके बाद शेतकरी सॉल्वेंट, पवन प्रोटीन्स इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे काफी ऐसे IPOs के काम किए, जिस कारण से बहुत कम समय पे हम लोग इंडिया लेवल पे जाने जाते। ये शुरुआती दौर थी मैडम। बाद में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते गया, नए नए मीडिया एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते गए, होल्डिंग का कल्चर उस समय नहीं था, धीरे धीरे होल्डिंग कल्चर इजाद हुआ, उसमें भी हम लोगों ने ये दिया। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे नागपुर के एडवर्टाइजर्स नेशनल टेलीविजन वगैरह पे तो सोचते नहीं थे, तो अपने यहाँ पे एक नए लोकल टेलीविजन चैनल डेवलप होना चालू हुआ, दैट वाज इन केबल, UCN, BCN, ये सब चीजें शुरू हुई। तो लोकल नागपुर के एडवर्टाइजर सोचे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी अपना प्रेजेंस होना चाहिए, तो ये टीवी चैनल्स पे शुरू हुआ। 10-12 साल पहले, 15 साल पहले रेडियो एक पहले केवल आकाशवाणी चलता था, प्राइवेट सेक्टर का ओपनिंग नहीं था, केवल मेट्रो सिटीज में था। अराउंड 10-15 साल पहले रेडियोज भी डेवलप हो गया, आज नागपुर शहर में 6 प्राइवेट रेडियो स्टेशन है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे समय चेंज होते गया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को डेवलप करने के तरीके चेंज होते गए, तो धीरे धीरे हम लोगों को भी वैसे वैसे सारी चीजें मीडिया इंडस्ट्री में चेंज करते हुए, वी स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल न्यूज़पेपर, आज हम लोग प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आउटडोर सारी चीजें प्रोवाइड करके, इनफैक्ट 360 डिग्री पूरा हम लोग क्लाइंट की प्रमोशन एंड PR एक्टिविटीज हैंडल करते हैं। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे मोड तो लोगों को फिर भी पता नहीं है, रोड शो, लीफलेटिंग, ब्रांडिंग, मॉल ब्रांडिंग, इन हाउस ब्रांडिंग, ऐसे सारी एक्टिविटीज आज के डेट में हम लोग हमारे हर क्लाइंट के लिए हैंडल करते हैं। जिस तरह से आपने अभी बताया कि शुरुआती दौर आपने बताया, उसके साथ अब तक का सफर भी आपने बयां किया, तो कैसे देखते हो जिस तरह से अभी प्रचार और प्रसार की पूरी नीतियां बदल चुकी है, डिजिटल का युग आ गया है, हम देख रहे हैं कि हर मतलब जो होर्डिंग्स थे वो भी डिजिटल में आने लगे हैं, तो आप कैसे देखते हो उसे? देखिए, प्रोग्रेस धीरे धीरे समय के साथ अगर अपन भी करते रहे तो अपन प्रोग्रेस के पार्ट कहलाएंगे। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने भी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइंट की रीड आते गए, इंडस्ट्री में चेंजेस होते गए, वो सारे प्रोग्रेस और वो सारे चेंजेस क्लाइंट को भी अप टू डेट देते रहे, सर्विसेज देते रहे या सॉल्यूशन देते रहे, इसीलिए आज हम लोगों का भी सक्सेस रेशियो है। कोविड के बिफोर कोविड डिजिटल वाज जस्ट हैविंग इट्स प्रेजेंस, जो कॉर्पोरेट कर लेते थे वो कर लेते थे, बट एवरीवन हर एक के मन मस्तिष्क में रहता था कि यार डिजिटल पे अपन भी जाना चाहिए, बट नॉलेज किसी को था नहीं। कोविड के समय में रिस्ट्रिक्शंस आ गया, लॉकडाउन की सिचुएशन चली, तो जब किसी को दुकान ही ओपन करने की चीजें नहीं मिली, परमिशंस नहीं मिली टू सेफ गार्ड द गाइडलाइंस, तो उस समय ये चीज घर बैठे बैठे काफी इजाद हुई टू गो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि न्यूज़पेपर चल नहीं रहे थे, न्यूज़पेपर बंद थे, कुछ हॉलीडेज डिक्लेयर थे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन थे, तो घर बैठे बैठे उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बर्थ हुआ, ऐसा समझ लीजिए हम लोगों का। तो उस समय से अराउंड 2020-21 से हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अब तो फुल फ्लेज डिजिटल सेक्शन है हम लोगों के एजेंसी में, जिसमें अराउंड 7 लोगों की टीम पूरी डिजिटल एक्टिविटी देखती है, राइट फ्रॉम कंटेंट राइटिंग से लेके उसका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लेके उसके प्लेटफॉर्मिंग, उसके डिजाइनिंग, SEO सारी एक्टिविटीज करते हैं। और आज एवरी मंथ हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने डिजिटल सर्विसेज में ऐड करना, ऐसे करते करते हम लोगों के पास में अभी 12
क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका सारे सोशल मीडिया पेजेस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे पेजेस पे उनकी पूरे पेजेस हैंडलिंग, कंटेंट राइटिंग, उनका पोस्टिंग ऑफ फ्लायर्स, एवरीथिंग, सारी चीजें हम लोग हैंडल करते हैं। डिजिटल ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम प्रिंट मीडिया इज आल्सो रिक्वायर्ड। आज के डेट में डिजिटल पे भी अकेले आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रिंट एंड अदर मीडियाज आपको वो भी मीडिया पे प्रेजेंस अपना बहुत जरूरी है ताकि आप नोन रहे मार्केट में, जब भी जो भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अननोटिस ना रहे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी जो पीआर एजेंसी है बहुत पुरानी है नागपुर की, और कई दूर तक आपका नाम जो है जा चुका है और कई दूर से लोग आपके पास आते हैं, तो आप अपने ग्राहकों को क्या देते हैं, जैसे कि अनूप पब्लिसिटी और निकिता मीडिया, क्या बताओगे? सिंस लास्ट 3-4 साल में हम लोगों की काफी ब्रांचेस भी ओपन हो चुकी है। हम लोगों की पूना, नासिक, मुंबई एंड भोपाल, चार जगह पे, अपार्ट फ्रॉम नागपुर हेड ऑफिस, चार जगह हम लोगों के ब्रांचेस हैं। ये सारे जगह पे हम लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स को, कमर्शियल क्लाइंट्स को अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सर्विसेज देते हैं। जैसे नागपुर हेड ऑफिस में 360 डिग्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी कोशिश रहती है कि सारी तीनों चारों ब्रांचेस में भी वो सारी चीजों की सर्विसेज अपने क्लाइंट को दें। और मैडम आगे के समय पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि आज अगर सोचते थे हम लोग कि केवल नागपुर में ही अपन क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं और यहीं की रिक्वायरमेंट है, यहीं कैटर करते, यहाँ दे, ऐसा ना सोचते हुए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी आजकल मल्टी डायमेंशनल हो गई है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा रिस्ट्रिक्टेड बस धर्मपेट वाला, ये नहीं सोचता कि मेरे पास धर्मपेट की क्लाइंट है, वो भी तो यही सोचेगा कि मेरे को पूरे नागपुर चाहिए। ऐसे हर क्लाइंट को कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट नेशन वाइड है, प्रोवाइडेड वो अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट कहाँ तक सप्लाई करता। तो यहाँ के अलावा हम लोगों को लगा कि वहाँ के मार्केट्स में भी काफी पोटेंशियल है, इसलिए हम लोगों ने ये चार अदर मार्केट्स में भी हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे ब्रांच ऑफिस खोले हैं। ये टाइप से प्रोग्रेस सारी चीजें ऐसी डेवलप करेगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया ये जो देखते हैं हम कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माध्यम माना जा रहा है अभी, जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो ज्यादा ब्रांडिंग भी सोशल मीडिया पे की जा रही है, तो आप इसे किस तरह से देख, मतलब किस तरह देख रहे हो? जैसे मैडम मैंने पहले ही बताया कि प्रिंट मीडिया, जैसे लोगों का 100% फेथ पहले ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म, पहले ओनली प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, तो लोग, या एक ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा था कि लोग प्रिंट मीडिया के अलावा दूसरा कोई सोचते ही नहीं थे। लेकिन समय धीरे धीरे ऐसा चेंज होते गया, काफी कुछ तो लोगों को सिखा दिया या सीखने का मौका मिला, या सीखने पे लोग मजबूर हो गए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। जब आप लोग लॉकडाउन का सिचुएशन था, तब प्रिंट मीडिया या रेडियो मीडिया ये सारी चीजें थोड़ा सा एक डेंट टाइप एक्टिविटी हुई थी, बट दैट वाज अ स्मॉल टाइम बीइंग। आज भी प्रिंट मीडिया को केवल एक बाकी इससे अल्टरनेट के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बाकी मीडियाज को उल्टा प्रिंट मीडिया के अल्टरनेट पे देखा जा सकता है। बिकॉज होर्डिंग में जाएंगे आप तो आपको एरिया वाइज रिस्ट्रिक्शन आएगा, आप रेडियो में जाएंगे तो भी जो मूविंग क्राउड है या जो लोग रेडियो सुन रहे हैं उस पे, उसके लिए आपको एक लिमिटेशन आएगी। लेकिन प्रिंट मीडिया ही एकमात्र एक मीडिया ऐसा है कि जो एक ही दिन सुबह मॉर्निंग में छपने के बाद एक ही साथ एक ही समय पर लाखों लोग एक साथ में पढ़ के आपका कुछ भी चीज जो जानना है, देखना है या अपनी एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो आपका देख सकते हैं। बाकी हर मीडिया अपने आप में प्रोग्रेस या रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना अपना रोल प्ले करता है। तो आज के डेट में इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गेट सक्सेस इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, उसको मल्टी डायमेंशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज में डिपेंडेंट रहना या डिपेंड होके सारी चीजें करना इज द मोस्ट सजेस्टिव पैटर्न। उसने प्रिंट पर भी अपने बजट्स को रखना चाहिए, उसने डिजिटल पे भी रखना चाहिए, उसने होर्डिंग भी रखना चाहिए, उसने आउटडोर भी रखना चाहिए। ऑफ कोर्स कि डिजिटल मीडिया जिस लेवल से इंक्रीज होते जा रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक जिस लेवल से डेवलप होते जा रहे हैं, यंग जनरेशन एंड मिडिल जनरेशन, ये वाली जनरेशन को काफी सोशल मीडिया में प्रेजेंट सी या प्रेजेंस अवेलेबल है इनका। तो अगर आप अपनी नीड को, रिक्वायर्ड को, रिक्वायरमेंट को या अपनी नीड को उस हिसाब से ड्राफ्ट करें, तो आपके डिजिटल मीडिया पे भी प्रेजेंस होना आज के डेट में अति आवश्यक चीज है। जिस तरह से आपका इतना बड़ा कारोबार है, आप महाराष्ट्र के बाहर भी आपकी ब्रांचेस है, तो ये पूरा कारोबार संभालते हुए आप फैमिली को कैसे टाइम देते हो, या अपनी हॉबी हो
उसे कैसे आप मतलब फुलफिल करते हो, क्या बताओगे इसमें? मैडम मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि जो सेकंड जनरेशन हम लोगों की है, मतलब पापा चाचा के बाद में जो हम लोग बच्चे लोग ये फील्ड में आए हैं, उसमें फॉर्चुनेटली जिनकी जिनकी भी मैरिज हो गई है तो वो सेकंड जनरेशन के जितने भी फैमिली मेंबर्स ऐड हुए हैं वो काफी क्रिएटिव लोग हुए हैं। तो इसमें अपने आप ही फैमिली एटमॉस्फेयर इतना हेल्दी था और पापा मम्मी चाचा लोगों का हमेशा इतना सपोर्ट मिला है कि ये जनरेशन को जिस फील्ड में उन लोगों का मोटो ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डेवलप हो या उसमें कोई डेवलप करें, इसके लिए हमेशा हमारे फैमिली में बहुत ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया। तो अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम बिजनेस में को एक्स्ट्रा आवर्स में मेरे को कुछ सोशल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट था, तो अकॉर्डिंगली मैं रोटरी क्लब में ज्वाइन किया जिसमें नागपुर का इलाइट क्लब रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशान्य में मैं ज्वाइन होके वहाँ पे मैं कंटिन्यू इस साल भी बोर्ड में हूँ, नेक्स्ट ईयर भी मेरे कार्य को देख के बोर्ड में लिया गया। तो मैं उसमें मेरे जो सोशल एक्टिविटीज करने की एक सोच थी जो एक लगन थी मैं उसमें कर रहा हूँ। ऐसे मेरे वाइफ में क्रिएटिव फील्ड का ये था तो वो अपने आप ही दो फील्ड चला रही है जिसके अंदर एक हैम्पर राइड नाम से उसने उसकी खुद की फर्म खोला है जिसमें वो क्रिएटिव गिफ्ट हैम्परिंग का काम करती है। छोटा भाई उसकी वाइफ कुछ हम लोगों के हॉस्टल वगैरह हैं वो वाली चीज भी देखते हैं। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज में बिजनेस को एक्सपांड किया है जिसमें हर जना अपनी अपनी फील्ड जिसमें जिसमें उसका जो इंटरेस्ट है बेस फील्ड के अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अलावा ये भी सारे फील्ड में हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं और जितना तक इंटरेस्ट है वो सब चीजें इंटरेस्ट के बेसिस पे उसमें प्रोग्रेस भी होते जा रहा है। ये बात तो सही है, अगर इंटरेस्ट है तो प्रोग्रेस तो होगा ही। बिल्कुल। तो आज का मेरा आखिरी सवाल यह है कि आज आप हमारे माध्यम से BCM के माध्यम से दर्शकों को या युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? तो युवाओं को बस यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया या एडवर्टाइजिंग फील्ड या मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। अगर उसको वो लोग अगर एक व्यापार के माध्यम से अगर सोचे, एक बिजनेस के माध्यम से सोचे, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में काउंट होती है हमारी एडवर्टाइजिंग फील्ड। ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो भी मोड में वो अपने आप को कंफर्टेबल समझे, प्रिंट में प्रिंट या डिजिटल या रेडियो या आउटडोर, जिस फील्ड में वो अपने आप को कंफर्टेबल समझ सकते हैं या उनमें एक्सीलेंसी आए, ये मोड में वो अपने आप को अगर उसके पूरी प्रॉपर उसके एजुकेशन या प्रोफेशनल उसके पूरे कोर्सेज कर लें, तो ये वाली फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि वो आज के डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन को, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे उसको पब्लिसिटी एंड PR की जरूरत रहती ही रहती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े हैं, बजट ज्यादा है, तो वो लोग उनको बाकी फील्ड में 360 डिग्री सर्विस दे सकते हैं, या तो अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंसी कर लिया तो वो वाली फील्ड के अपने क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग ये सर्विस इंडस्ट्री में अपने कैरियर बना के अपने आप ही सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो है हमारे दर्शकों को PR एजेंसी के बारे में जानकारी दी, आपका कार्य क्या है, किस तरह से आपका कार्य चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार। थैंक यू।